बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर धर्मेंद्र आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। धर्मेंद्र आज अपना 86 जन्मदिन मना रहे हैं। धर्मेंद्र ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से की। 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर आज अपना 77वां जन्मदिन मना रही है। शर्मिला ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपूर संसार से की थी। बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट उमर रियाज के खिलाफ फैजान अंसारी ने केस दर्ज करवाया। दरअसल फैजान अंसारी ने उमर रियाज पर इस सीजन में पहने हुए ब्रांडेड कपड़ों के लिए जानबूझकर एक अलग ब्रांड को टैग करने का आरोप लगाया। फिल्म आरआरआर का ट्रेलर 9 दिसंबर को रिलीज होने जा रहा है। इस फिल्म में रामचरण जूनियर, एनटीआर, आलिया भट्ट और अजय देवगन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा द राइज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म का हिंदी वर्जन को श्रेयस लतपड़े ने डब किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान और जय दरबार को मैं प्यार में हूं गाने के प्रमोशन के दौरान स्पॉट किया गया। इस दौरान दोनों एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे। पंजाबी सिंगर गुरदास मान को हाल ही में परिवार के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जहां वो कैजुअल आउटफिट में दिखे। चेन्नई से लौटते समय बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया जहां मौनी रॉय को ग्रे आउटफिट में देखा गया। मुंबई एयरपोर्ट पर सिंगर शंकर महादेवन और एहसान को एक साथ स्पॉट किया गया। इस दौरान दोनों कैजुअल आउटफिट में दिखे। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जहां रवीना टंडन को ऑलिव कलर की ड्रेस में देखा गया।